नमस्ते दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त महेश आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम देखेंगे मेरे कलेक्शन के कुछ ऐसे स्टैम्प्स जो भारत के फॉरेन रिलेशंस को दर्शाता है। आज के वीडियो का पहला स्टैम्प 1987 यानी 1987 में जारी किया गया था। ये 5 रुपये का स्टैम्प फेस्टिवल ऑफ USSR इन इंडिया को समर्पित था। अगला स्टैम्प 25 मार्च 1983 यानी 25 मार्च 1983 में जारी किया गया 1 रुपये का स्टैम्प था, जो कि IOC इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमिटी का 86वां यानी 86th अधिवेशन को समर्पित था। अगला स्टैम्प 29 अक्टूबर 2015 यानी 29th अक्टूबर 2015 में जारी किया गया था। ये 25 रुपये का स्टैम्प इंडिया अफ्रीका फोरम के 3rd समिट को समर्पित था। अगला स्टैम्प 25 मई 2018 यानी 25th मई 2018 में जारी किया गया था। ये 15 रुपये का स्टैम्प द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लायंस क्लब को समर्पित था। ये स्टैम्प 5 नवंबर 2012 यानी 5th नवंबर 2012 को इशू किया गया था। ये स्टैम्प इंडिया और इसराइल में एक साथ में जारी किया गया था। इस स्टैम्प के सेट पर भारत का त्यौहार दीपावली और इसराइल का त्यौहार हनुक्का को दर्शाया गया था। अगला स्टैम्प का सेट 17 फरवरी 2018 यानी 17 फरवरी 2018 में जारी किया गया था। ये भारत और ईरान के संबंधों को दर्शाता है। ये 2 स्टैंपों का सेट था, जिस पर एक स्टैंप 25 रुपये का था, जो कि दीनदयाल पोर्ट कांडला को दर्शाता है, और दूसरा 5 रुपये का स्टैंप चाबहार पोर्ट को दर्शाता है। अगला स्टैम्प 5 दिसंबर 2013 यानी 5 दिसंबर 2013 में जारी किया गया था। ये 20 रुपये का स्टैम्प इंडिया और जापान के संबंधों को दर्शाता है, जिस पर एक ही स्टैम्प पर भारत के कुतुब मीनार और जापान में स्थित टोक्यो टावर को दर्शाया गया था। हमारा अगला स्टैम्प 15 सितंबर 2018 यानी 15 सितंबर 2018 में जारी किया गया। एक मिनिएचर शीट था, जो कि इंडिया और सर्बिया का जॉइंट इश्यू था। ये मिनिएचर शीट भारत और सर्बिया के बीच राजनीतिक संबंधों के 70 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जारी किया गया था। इस मिनिएचर शीट में 2 डाक टिकट थे, जिनमें एक 5 रुपये का स्टैम्प था, जिस पर सर्बिया के आविष्कारक निकोला टेस्ला की तस्वीर थी, और दूसरे स्टैम्प जो कि 25 रुपये का था, उस पर भारतीय ज्ञानी और दार्शनिक स्वामी विवेकानंद की तस्वीर बनी हुई थी। अप्रैल 2002 में भारत और जापान के मजबूत संबंधों को दर्शाने के लिए ये स्टैम्प टिकट का सेट जारी किया गया था, जिस पर दोनों ही स्टैम्प 15 रुपये के मूल्य के थे। एक स्टैम्प पर भारत की नृत्य कला कथकली को दर्शाया गया था, और दूसरे पे जापान के काबुकी की तस्वीर बनी हुई थी। हमारे आज के वीडियो का आखिरी स्टैम्प इंडिया और फ्रांस का जॉइंट इशू था, जो कि एक मिनिएचर शीट थी, जिस पर 25 रुपये और 5 रुपये के एक एक डाक टिकट जारी किए गए थे। ये मिनिएचर शीट भारत और फ्रांस के अंतरिक्ष सहयोग यानी स्पेस कोऑपरेशन के 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जारी किया गया था। ये मिनिएचर शीट 10 अप्रैल 2015 यानी 10th अप्रैल 2015 में जारी किया गया था। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।